ओम शांति। 20 जून आज बाबा फिर से ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी के बाद फिर ये जल्दी ही दोबारा मुरली चली है व्यक्त बाप दादा की। तो कह रहे हैं सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा को बहुत याद कर रहे हैं, उनसे सभी का बहुत स्नेह है। इस स्नेह में शक्तिशाली बनना है और बाप समान बनना है। ब्रह्मा मां ने तुम्हारी बहुत पालना की, उस पालना का रिटर्न देना है। रिटर्न देना माना बाप समान बनना, उनके समान बनना, और रिटर्न भी होना है घर में उनके साथ, वापिस जाना भी है। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताओं में पहली विशेषता बताई कि देखो बोल से वृत्ति से सभी को उमंग उत्साह दिलाया, सबको आगे बढ़ाया, योग्य बनाया, सब में बल भरा, किसी के लिए ऐसा वैसा नहीं सोचा। चाहे माला का लास्ट मणका भी कोई दिखाई दिया, उसमें भी उमंग उत्साह भरा। तुम्हें भी बाप समान बनना है कर्म में। ये नहीं कि दूसरे कर्म कर रहे हैं और बाबा साक्षी है। कर्म में कर्म योगी बनकर साथी बने, साथ बैठते थे बाबा। छोटे छोटे काम कराने में भी साथ आकर बैठ जाते थे, तो बच्चों को आनंद भी आता था। बाबा बैठा है, मान लो अनाज साफ कर रहे हैं, तो बाबा भी आके एक थाली ले लेते थे। और बाबा ने कहा सदा याद रहता था, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। वाणी बहुत निर्मल निश्चल सभी को योग्य बनाने वाली थी बाबा की। तो जो व्यवहार था उसमें वो सचमुच माता पिता की तरह रहते थे। हमें भी फॉलो करना है, और फॉलो करना है तो माता पिता बनना पड़ेगा सबके, केवल अपने बच्चों के नहीं। अगली बात बाबा ने कही, बाबा के लिए बहुत प्रसिद्ध था बूढ़े आए हैं बुजुर्ग बन गए, युवा आए हैं उनके साथ ही युवक बन गए, बच्चे आए हैं तो बच्चे बन गए। हर कोई कहता था मेरा बाबा, बहुत बड़ी धारणा है ये। बच्चे भी कहते थे बाबा जितना प्यार मुझे करता है और किसी को नहीं करता। युवक भी यही कहते थे तो बुजुर्ग भी यही कहते थे। ये कोई छोटी चीज नहीं होती, सबको उस तरह की फीलिंग देना। अगली बात कही, देखो ब्रह्मा ने सर्वस्व समर्पित कर दिया, कुछ सोचा नहीं, कोई संशय नहीं आया कल क्या होगा, पैसा नहीं है कैसे चलेगा, कोई संशय नहीं। तन भी तेरा, तन को भी शिव बाबा ने यूज किया, मन को मन मनाभव की स्थिति में स्थित करके सिद्धि स्वरूप सफलता स्वरूप बना दिया, और धन सब कुछ उसकी सेवा में लगा दिया। लौकिक बच्चों का क्या होगा, इसको दूं उसको दूं, ये सब नहीं। तो समर्पण भाव रहा बहुत ज्यादा, और बहुत बड़ी चीज बाबा ने की है। बैगरी पार्ट आया, अपनी अटल अचल एक बल एक भरोसे ऐसी स्थिति के द्वारा बेफिक्र बादशाह रहे। बाबा उदाहरण दे रहे, एक दिन ऐसा हुआ यज्ञ में कि आटा नहीं है, पैसे नहीं है, 11 बजे तक भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। 1 बजे भोजन की घंटी बजाते थे, लेकिन बाबा निश्चिंत था। और मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं, क्या होगा फिर, ये सब नहीं। शिव बाबा के बच्चे हैं, उसने सबको अडॉप्ट किया है, वही सबको खिलाने वाला है, वो जरूर कुछ करेगा। और 11 बजे ही पैसे आ गए कहीं से और भोजन बना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं उस समय के जिसमें बाबा निश्चिंत रहे,
बेफिक्र बात सावन कर रहे, अचल अडोल रहे, ये कितनी बड़ी बात है शिव बाबा में विश्वास की, एक के बल और उसके ही भरोसे पर जीने की। तो ये बाबा ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा हम सबको कह रहे हैं ऐसे ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करके बहुत हल्के और निश्चिंत हो जाओ, बाबा भी सदा बोझ मुक्त रहे। तो हमें बाप समान बनना है तो बाबा ने ये कुछ विशेषताएं सिखाई, तन को कैसे यूज किया, बोल विशेष करके बोल, मन की वृत्तियां तो शुद्ध थी ही लेकिन बोल के द्वारा कैसे सबको आगे बढ़ाया, समर्पण भाव रखा, निश्चिंत हुए और कैसे एक बल एक भरोसे पूरे यज्ञ को संभाला है। हम और चिंतन करें, बाबा ने कहा साकार में स्थिति बनाने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकार स्थिति में पहुंचने के लिए शिव बाबा को फॉलो करो। तो हम अपने पास कुछ पॉइंट रखें बाप समान बनने की, ब्रह्मा बाबा बाप समान कैसे बने, बाबा ने उदाहरण भी दिया। देखो ब्रह्मा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, श्रीमत पर चलकर वो खुद एग्जाम्पल बन गए, तुम्हारे सामने ब्रह्मा बाबा और अब अनेक एग्जाम्पल हैं, उन्हें फॉलो करके बाप समान बनो। तो ऐसी कुछ बातें हम अपने साथ रखकर चलें कि जैसे ब्रह्मा ने तपस्या की वैसे ही हम भी करेंगे, जैसे बाबा ने ज्ञान का अपने को स्वरूप बनाया वैसे हम भी करेंगे, जैसे बाबा निर्मल शीतल बिल्कुल निरंकारी बन गए वैसे ही हम भी बनेंगे। तो ऐसे कम से कम 5-7 पॉइंट हम अपने पास रखेंगे। आप सोचेंगे समर्पणता का क्या करें, सब कुछ तेरा मन से तो कर सकते हैं ना, ये करके हम समर्पित भाव को भी आगे बढ़ाएं। तो बाबा एक ग्रुप को कह रहे हैं अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझो, दूसरे को कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ रचना हो तुम रचयिता की, भगवान के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। कुमारियों को कह रहे हैं सो ब्राह्मणों से उत्तम तुम एक कुमारी हो, इसलिए एक एक को सो सो का कल्याण करना है, वरदान है सर्व रूपों से सर्व संबंधों से स्वयं को बाप पर अर्पित करने वाले सच्चे स्नेही बनो। सब रूप माना तन मन धन बुद्धि, बाबा ने बुद्धि का अभिमान भी समर्पित कर दिया, मैं पन समर्पित कर दिया, सर्व संबंध समर्पित कर दिए। समर्पित करने से हम योग युक्त हो जाते हैं और जहाँ योग है वहाँ हम भी सबके सहयोगी और सब भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। तो सच्चा स्नेह है हमें बाबा से तो अपने सर्व संबंधों को भी उस पर अर्पित कर दो, तन मन धन को भी उस पर अर्पित कर दो। स्लोगन है साकार कर्मों में ब्रह्मा बाबा को और अशरीरी होने में शिव बाबा को फॉलो करो। आज थर्ड संडे है, इंटरनेशनल योग है, सभी से हमको 6:30 से 7:30 एक साथ योग करेंगे और आज योग इस तरह करेंगे, मैं इष्ट देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ, सभी को देने वाली बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।